अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। चलते हैं अंजू के किचन में। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के टिक्का बनाएंगे। उसके लिए हमने पत्ता गोभी को कट कर लिए हैं, कट करके वॉश करके रखे हुए हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट हैं, ऑनियन कट करके रखे हुए हैं। हमने 3 अंडा लिए हैं बॉयल करके, और ये हरी धनिया पत्ते और चिल्ली है, इसको भी कट कर लिए हमने। और बाकी आगे का जो भी डालेंगे आपको दिखाते रहेंगे। हमने टमाटर सॉस भी लिए हुए हैं। उससे पहले हमने कढ़ाई रख दिए हैं गैस पर गर्म होने के लिए। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमने रिफाइन ऑयल लिए है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे और इसी के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हल्का सा हम भूनेंगे। क्या हल्का सा फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। को भी इसी के साथ मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा, पत्ता गोभी का टिक्का मेरे तरीके से। थोड़ा चम्मच चलाते रहना है। हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। हल्का सा नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए क्वांटिटी आप अपना ऊपर है, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हमने एक बड़े साइज के गोभी कट किए थे। अगर आपका फैमिली बड़ा है तो आप 2 ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, खाना तो सबको बनाना आता है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है बनाने का, और टेस्ट भी सबका अलग अलग आते हैं खाने में। अब हम इसको कवर कर देंगे, 2 से 3 मिनट तक का पकाएंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेंगे हम। अब इसी के साथ हम ऑनियन ऐड करेंगे। हमने 2 बड़े साइज के ऑनियन कट किए थे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑनियन को सॉफ्ट होने तक का पकाएंगे। अब हम इसमें सेक कबाब मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास कबाब मसाला है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। आप इसमें चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। अब हम टमाटो केचप ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। आप चाहे तो टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटो केचप से थोड़ा सा मीठापन आते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट तक का पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अंडा को बॉईल करके रखे हुए थे उसको इस तरीके का क्रश कर लेंगे। इसी तरह हम सब अंडा क्रश कर लेंगे। क्रश कर लिए हैं,
देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ड्राई हो चुके हैं, देखिए इसको हमको ज़्यादा गलाना नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब ये बन चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, रख देंगे ठंडा करने के लिए। देखिए ठंडा हो चुके हैं, अब हम क्रश किए हुए अंडा इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद है तो अंडा डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। एक चम्मच बेसन, दोनों बराबर से लेना है। ब्लैक पेपर 1 चम्मच छोटे चम्मच से। गरम मसाले घर के पीसे हुए, चाट मसाला टेस्ट के लिए, ये हरे धनिया पत्ते हैं, हमने कट करके रखे हुए थे, हमने हरे धनिया पत्ते कुछ ज़्यादा ही डाले हैं। ग्रीन चिल्ली इसी के साथ ऐड कर देंगे। देखिए धनिया पत्ता के भी बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं। हल्का सा नमक इसमें ऐड करेंगे, हमने पहले भी नमक डाले हुए हैं, नमक अपना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए गाइस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, इसको 2 से 3 मिनट तक का रख देंगे। देखिए कढ़ाई हमारे गरम हो चुके हैं, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमने रिफाइन ऑयल लिए हैं, ऑयल को थोड़ा सा गरम होने देंगे अच्छे से। देखिए हमने इस तरीके का गोला कर लिए हैं, गरम हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि आपके हाथ में चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा से पानी लगा सकते हैं, इसी तरह पानी लगा के टिक्का ऑयल में ऐड कर देंगे। एक एक करके और ऐड कर देंगे। ये बहुत टेस्ट बनते हैं इस तरीके का टिक्का, एक बार घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद है अंडा डालिएगा, अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिएगा। ऐसे भी बहुत टेस्ट बनते हैं बिना अंडा के। अब हम इसको हल्का से पलटी कर देंगे, लो फ्लेम में इसको पकाएंगे क्योंकि अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। आप इसको अंडा का टिक्का भी बोल सकते हैं। लो फ्लेम में थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। अब हम फ्लेम हाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यकीन मानिए ये बहुत टेस्ट बनते हैं, आप जब इसको एक बार बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ का टिक्का खा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे चिकन और मटन के टिक्के खा रहे हैं। एक बार मेरे तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे बने हैं। इसी तरह हम सारे टिक्के बना लेंगे।
यूनिक रेसिपी है ये। फाइनली हमारे पत्ता गोभी के टिक्का बन के तैयार हैं, बहुत टेस्ट बने हैं। एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें भी बना के खिलाइएगा, वो आपका ज़रूर तारीफ़ करेंगे और ज़रूर पूछेंगे कि कैसे बना है। और इसको आप दाल चावल में भी खा सकते हैं, उसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगते हैं खाने में। इसको आप अंडा का टिकिया भी बोल सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।